हे गाइस, देखो यहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। ज़्यादातर क्या होता है ना सर, कि देखो हम स्टॉक के बारे में समझते हैं। होता क्या है कि सर, देखो स्टॉक का प्राइस जो होता है वो बिज़नेस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर कंपनी का बिज़नेस अच्छा चल रहा है तो सर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। अगर कंपनी ने ये अनाउंस कर दिया कि कंपनी बंद होने वाली है तो सर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा क्या? नहीं जाएगा सर, बिल्कुल नहीं जाएगा। लेकिन स्टॉक का प्राइस को ऊपर जाना चाहिए ना सर, कम से कम 100 गुना पैसा कर देना चाहिए शेयर होल्डर का। क्यों? क्योंकि कंपनी बंद हो चुकी है इस खुशी में। या फिर मान लेते हैं कि कंपनी के ऊपर किसी भी तरीके से सर छापा मार दिया गया, या कंपनी की तरफ से कोई डिफेक्ट प्रोडक्ट निकल गया सर, या कंपनी को हेवी नुकसान हुआ सर, इतना नुकसान हुआ कि 7 जन्म में भी कंपनी उसको रिकवर नहीं कर सकती, तो स्टॉक का प्राइस कितने गुना होगा सर? 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 500 गुना? कम से कम तो सर 1 रुपये को 1 करोड़ बना देना चाहिए अगर ऐसी खबर आती है तो। बात सही है ना सर? लोग बोलेंगे नहीं, कंपनी बंद हो रही है तो शेयर तो डूब जाएगा, है कि नहीं सर? लोगों का मानना रहेगा कि कंपनी बंद हो जाएगी तब तो शेयर का प्राइस डूब जाएगा। कंपनी के प्रोडक्ट में या कंपनी को किसी भी तरीके से नुकसान हुआ तो फिर भी स्टॉक को नुकसान होगा। तो सर यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ सर। भगवान ने आंखें दे रखी है, डॉक्टर ने चश्मा भी दे रखा है, लेकिन सर हम देखते फिर भी गलत चीज़ों को है। आप स्टॉक के प्राइस को मत देखा कीजिए, वो केवल एक चार्ट है, प्राइस है जो बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट है सर। हमें देखना बिजनेस को है, फिर आप चार्ट पैटर्न को क्यों देखते हो? चार्ट पैटर्न टेक्निकली ठीक है, जो कि थोड़ी बहुत चीज़ों के लिए ठीक है सर, थोड़ी बहुत चीज़ों के लिए ठीक है सर। लेकिन अगर आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉपर तरीके से काम करना है तो आपको बिजनेस समझना होगा सर। बिजनेस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना होगा, कंपनी को देखना होगा, कंपनी क्या काम कर रही है, नहीं कर रही है, और कितने बड़े लेवल पे कंपनी काम करने की कोशिश कर रही है, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये 10 रुपये वाला स्टॉक कल के डेट में 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। कंपनी बंद हो जाएगी सर तो क्या 10 रुपये वाला स्टॉक 50 रुपये होगा या 5 रुपये होगा सर? 1-2 रुपये में मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, कभी भी स्टॉक के प्राइस पर फोकस मत किया कीजिए, प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है। गलत चीज़ों को मत देखा कीजिए, प्राइस से मतलब नहीं है सर। तो जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ समझने की कोशिश कीजिएगा। आज मैं आपको वो बता रहा हूँ तो लोग बोलेंगे भाई तुम तो ज्ञान दे रहे हो। नहीं सर, मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं उसी चीज़ों को फॉलो करता हूँ। तो पहले मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। प्लीज़ कृपया करके स्टॉक मत देखिएगा, प्राइस मत देखिएगा, जो हो चुका है, जो बता रहा हूँ केवल प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिएगा, केवल प्रोसेस को सर, ठीक है? देखिए जब मैंने वीडियो बनाया था ऊपर में तो साफ साफ मैंने लिख दिया था, रिस्क है तो रिस्क है, वक्त आ गया है सर देखने का ओनली वन स्टॉक। अगर पहली चीज़ आप स्टॉक मार्केट में सर रिस्क नहीं ले सकते तो फिर सर यहाँ पर रिटर्न कैसे बनाओगे, है कि नहीं? क्योंकि सर एक दिन के अंदर स्टॉक 10% 20% भी गिर जाता है, तो खतरा तो है सर यहाँ पर। तो गिरावट है पिछले 5 साल से, तो अप एंड डाउन में। पिछले 5 साल का भी अगर आप डेटा देखोगे तो कंपनी यही बोलती है, पिछले 1 महीने का हाल नॉर्मल है, पिछले 6 महीने का हाल नॉर्मल है, पिछले 1 साल से तो गिरावट है, पिछले 5 साल से तो अप एंड डाउन में। पिछले 5 साल का भी अगर आप डेटा देखोगे तो कंपनी यही बोलती है भाई चुपचाप कंपनी बैठी हुई है। देखिए तो सर 5 साल में कंपनी चली क्या सर? 5 सालों में केवल आपको 16% का रिटर्न मिला सर। इतना तो आपको एफडी में भी रिटर्न मिल जाता सर, सॉरी सॉरी गलती हो गया सर, एफडी में भी इससे ज़्यादा रिटर्न मिल जाता सर, है कि नहीं है? एफडी में सर 16% से ज़्यादा रिटर्न मिल जाता आपको 5 साल में सर, है कि नहीं है? और सर ऊपर से 1 साल से सर तो इसने नुकसान भी दे रखा है। सही है, तो नेवलैंड लेबोरेटरीज मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकता है, बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकता है। देखो मैं ये नहीं बोला कि भाई स्टॉक भाग रहा उसके बीच में मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं नहीं स्टॉक देख लीजिए, पिछले 5 सालों का डेटा देख लीजिए, पिछले 5 सालों का डेटा देख लीजिए, कुछ भी नहीं चला स्टॉक उल्टा। देखिए बात समझने की कोशिश कीजिए सर, जब कंपनियां चल जाती है ना सर तब लोगों को पता चलता है यार ये तो अच्छी कंपनी थी, लेकिन जब वही स्टॉक सर 90% 80% पे गिरा हुआ रहता है ना तो सर लोग उसको छोड़ देते हैं कि भाई ये तो गिरा हुआ है, ये क्या रिटर्न निकाल के देगा। लेकिन सर जो चीज़ें गिरी हुई है जब वो चलना स्टार्ट करते हैं तो सर बहुत तेज़ भागते हैं। तो ठीक है, तो कंपनी का नाम यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया, ठीक है, क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ मैं आपको प्रोसेस बताऊँगा। अब देखिए सर यहाँ पर इस वीडियो में देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर मैंने साफ साफ यहाँ पर लोगों को बता रखा था, लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया सर स्टॉक हाई है। कंपनी का वैल्यूएशन देखो ना, हो सकता है इस कंपनी का वैल्यू 6,000 रुपीज हो सकता है इस कंपनी का वैल्यू 4,000 रुपीज हो, नहीं वो दिमाग नहीं लगाएंगे। कंपनी का अगर वैल्यू 4,000 रुपीज है और ये मिल रहा है 3,000 में तो ऑटोमेटिक क्या पता है सर? सबसे पहली चीज़ सर आजकल के दुनिया में कहीं पर भी देखा जाता है, खूबसूरती, सुंदर है तो बहुत अच्छा है कि नहीं? लेकिन सर इंसान का टैलेंट कौन नहीं देखना चाहता, इंसान का टैलेंट कौन नहीं देखना चाहता सर, बिल्कुल नहीं देखना चाहता सर। उसी तरीके से लोग बोलना स्टार्ट कर दिए हैं कि सर आपने 1200 में बताया था ये तो हाई चल गया, ये तो 3000 हो गया। मैंने समझाया सर प्लीज़, भगवान ने आँख दे रखे हैं, डॉक्टर ने चश्मा दे रखा है सर, भगवान का दूसरा नाम डॉक्टर है, ज़मीन पे भी भगवान है सर आपके साथ, जो आपकी आँखों को भी सही अगर कुछ ख़राब है तो ठीक करके देंगे सर। उसके बावजूद भी आप नहीं देख पा रहे हो, इसके मतलब सर आप दिमाग से अंधे हो सर, याद रखेगा।
और भगवान ने दिमाग सबको बराबर दिया, बस आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, इसलिए जंग लग गया। लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया, सर 1200 रुपये का चीज़ 3000 पे चला गया, ये तो हाई हो गया। मैंने बोला, सर कभी आपने इसका वैल्यूएशन देखा नहीं ना, फिर कैसे बोल दिया आपने हाई है? सर केवल प्राइस देख के आपने अंदाज़ा लगा दिया हाई है। हो सकता है कि सर जब आप पैदा लिए तो एक दिन के होंगे सर, फिर उसके बाद सर 1 साल के, तो 1 साल तो आपका हाई है ना सर। अभी आपसे हाईएस्ट एज आपका पूछा जाएगा कितना है तो बोलेंगे 1 साल, 2 साल बाद पूछा जाएगा कितना है तो 2 साल, आपका सबसे हाईएस्ट क्या 2 साल, तो क्या 2 साल के बाद इंसान मर जाता है सर? नहीं, मर जाता है सर, नहीं मरता है सर 2 साल के बाद, है कि नहीं? कोई इंसान 5 साल का होता, 5 साल के बाद मर जाता है ना सर? नहीं होता। क्यों? क्योंकि सर आजकल के डेट में लोग देखेंगे तो 90 साल 100 साल जीते हैं सर आराम से हेल्दी, अगर इंसान अच्छे से रहा तो 100 साल तक जी जाते हैं सर, 90 मतलब जी जाते हैं मान लीजिए, है कि नहीं है? तो सर कभी हम बोलते हैं कि लगभग 2 साल हो गया अब तो ये बहुत ज़्यादा हो गया, इसका एज बहुत ज़्यादा हाई पे है इसका एज, नहीं, आपको पता है कि भाई इंसान 80-90 ईयर्स तो जी जाता है, इस वजह से हम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सर बच्चे अब छोटे हैं तो वैल्यूएशन उस तरीके से देखा जाता है सर, और उसके लिए भी प्रोसेस मैंने बता रखा है। तो उसके लिए मैंने लोगों को बोला कि भाई आप लोग सही से नहीं देख पा रहे हो, तो चलिए मैं आप लोगों को प्रूफ दिखाता हूँ। यहाँ पर आज के रेट देखिए 156 क्वांटिटी 3194 रुपीस में खरीदा गया, न्यूलैंड लैब आप देख सकते हो, जो कि आज के सीएनसी सही है कैश होल्डिंग में खरीदा गया, और देखिए अभी तो आया भी नहीं है पोर्टफोलियो में, और अभी 9000 का लॉस चला, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज मैं आपको हाई में भी खरीद के दिखा देना चाहता हूं, प्रूफ करके दिखा देना चाहता हूं कि कोई भी चीज हाई और लो नहीं होता, कोई भी चीज केवल अपने वैल्यूएशन के दम पे दौड़ता है, केवल अपने वैल्यूएशन के दम पे। वैल्यू सुना आप लोगों ने, केवल वैल्यूएशन सर, जो कि लोग ध्यान नहीं देते हैं उसके ऊपर। आज देखिए रामदेव अग्रवाल जी के तरफ से एक खबर आई है जहाँ पर बोला गया, यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा सेस, इन्होंने बोला है कि भाई देख सकते हो ट्रेंट वैल्यूएशन डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड सर, ये जो कंपनी है बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दे रही है सर। क्या बोला उन्होंने कि इसका वैल्यूएशन है कि नहीं सर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, किसको अंडरस्टैंड करना वैल्यूएशन का सर? क्या इन्होंने बोला कि स्टॉक का प्राइस को अंडरस्टैंड करना? भाई स्टॉक का प्राइस मतलब मैं क्या ही बोलूं सर, ये अगर ये सवाल पूछ रहे हो कि सर स्टॉक का प्राइस हाई है, तो मैं कृपया करके बोलना चाहता हूं सर आप गलत सवाल पूछ रहे हो सर, कम से कम अभी से आपको बता भी दे रहा हूं। इन्होंने सर क्यों, आपको पता भी सर रामदेव अग्रवाल कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितना पैसा इन्होंने बनाया है सर? आज तक कभी आपने सुना वॉरेन बफेट के जवान से कभी सुना आप लोगों ने कि स्टॉक का प्राइस हाई है? कभी सुना नहीं सर। चार्ली मंगर के जवान से कभी सुना आप लोगों ने? नहीं सुना सर। ठीक है, तो कभी भी सर ये लोग केवल वैल्यूएशन के ऊपर ध्यान देते हैं सर, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि सर आप लोग उल्टा फुल्टा ध्यान देते हो, इसलिए आपको प्रॉफिट नहीं होता है सर। और आज देखिए न्यूलैंड लेबोरेटरी तो 12000 रुपये को टच कर दिया, तो उन बेचारों के बारे में सोचो जो लोग लगभग 3000 रुपये में वो लोग हाई बोल रहे थे, उनके लिए मैंने डांट कर वीडियो बनाया, आज वो बेचारे पछता रहे हैं। उनके क्यों पछता रहे हैं? क्योंकि सर उनके पास नॉलेज कम है, भगवान ने उनको पैसे कम नहीं दिए सर, पैसा तो सबको बराबर दिया है भगवान ने सर, लेकिन क्या करे वो अपने दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते सर। उन्होंने ही लात मारा ना, जिनको सर वैल्यूएशन निकालने नहीं आता कंपनी का, उन्होंने ही लात मारा ना सर अपने जीवन में, है कि नहीं? अपने भविष्य को कितने लात मारा सर, किसने? सरकार ने लात मारा? नहीं सर, पैरों तले कुचल दिया जाता है सर अपने भविष्य को, वो इंसान खुद करता है सर, कोई दूसरा नहीं करता। 3000 में जिनको हाई लग रहा था, आज न्यूलैंड लेबोरेटरी 12000 चल गया, अब पछताते फिरेंगे लोग। और ये बात सर इन्होंने 19 अगस्त को बोला, और यही चीज़ मैं आपको पहले से समझाता हूँ, इससे साफ साफ पता चलता है सर जो मैं आपको नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ वो सही नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, बट अभी भी आप लोग अपने भविष्य को अपने पैरों तले कुचल रहे हो सर। आप चाहते जरूर हो कि मैं जब पैसा कमाऊँ भविष्य में, मेरे बच्चे भी अच्छे खासे आगे जाएँ सर, लेकिन सर आप नॉलेज नहीं लोगे और बिना नॉलेज के आगे जाओगे तो सर दिक्कत नहीं सर, बहुत तकलीफ हो जाएगी फिर तो। और देखिए सर फिर यहाँ पर मैंने वीडियो बनाया, मेरे सारे के सारे वीडियो में सर मैंने वैल्यूएशन के ऊपर ही मैं बात करता हूँ, स्टॉक प्राइस से सर मुझे मतलब ही नहीं रहता, स्टॉक प्राइस से क्या मतलब रहेगा सर बोलिए आप लोग। देखोगे और फेयर वैल्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो पहले कंपनी एकदम बिल्कुल अंडर वैल्यूड मिल रही थी, आजकल के डेट में तो कंपनी मतलब एक नए लेवल पे जाने की कोशिश कर रही है। तो सर हर बार मैं वैल्यूएशन के ऊपर बात करता हूँ, 6 महीने से भी गिरा हुआ, पिछले एयरटेल डेट से भी गिरा हुआ है, और भाई ऊपर से नीचे की हाल देखते हैं तो कहां से कहां तक गिरा हुआ है स्टॉक, मतलब बहुत ज्यादा गिरावट हो चुका था इस कंपनी में। एक टाइम में स्टॉक 33% के डिस्काउंट पे मिल रहा था, और पिछले एयरटेल सुना आप लोगों ने मैंने क्या बोला, शब्द क्या मैंने इस्तेमाल किया सर, 33% के डिस्काउंट पे मिल रहा था। लोग क्या गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं सर, सर ये 33% के गिरावट पे मिल रहा है, हे भगवान, मतलब सबसे पहले तो सर हमें सरकार को बोलना चाहिए कि जितने भी चीज़ों पे तुम किसानों को सब्सिडी देते हो, मान लेते हैं कि सर मान लेते हैं कि 2300 रुपये का बोरी होता, खाद का बोरी होता, सरकार उस पर लगभग जो है 2000 का सब्सिडी देती है सर, और 300 का उनका प्राइस रहता है सर, तो क्या बोलेंगे हम कि प्राइस गिर चुका है 2300 से 300,
मतलब सर पहले शब्द तो सही इस्तेमाल करना सीख जाए सर, शब्द भी हम जो इस्तेमाल करते हैं वो गलत है, और मैं जो शब्द इस्तेमाल करता हूँ सर वो सही है। मैं डायरेक्ट बोलता हूँ लालच है, लालची इंसान है, मन में लालच है, उसके दिल में लालच है, और वो जीवन भर सर लालच में डूबेगा तो मरेगा ही मरेगा सर। ये जो शब्द मैं इस्तेमाल करता हूँ गलत इस्तेमाल नहीं करता हूँ, क्यों कड़वा जरूर है सर, लेकिन क्या करूँ झूठ बोलना स्टार्ट कर दूँ, तेल लगाना स्टार्ट कर दूँ सर, है कि नहीं? सच तो बोलना पड़ेगा ना सर, याद रखिएगा। लालच एक बहुत बड़ा मतलब माया जाल होता है सर। और देख लीजिए कंपनी का नाम सरस्वती कमर्शियल सर, ठीक है, कितने में मिला था सर? 2600। अब देखिए सर यहाँ पर, ठीक है दोबारा वीडियो देखिए, ये खत्म नहीं हुआ सर, अभी तो मैंने वीडियो स्टार्ट नहीं किया, मेन चीज़ आपको बताना है सर यहाँ पर, मेन चीज़ अभी आपको बताना है। 5,618% तक का रिटर्न इस कंपनी ने निकाल के दिया, जिस कंपनी का नाम है सरस्वती कमर्शियल इंडिया। अब देखो इस कंपनी के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही जानकारी दिया था, ठीक है, सरस्वती कमर्शियल इंडिया, तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा और कुछ लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कर रखा है, तो मुझे लगता है कि कुछ लोग भूल चुके हैं, इस वजह से मैंने सोचा एक बार और आपको अपडेट कर दूं, याद दिला दूं, याददाश्त ऊपर आ जाए, और कुछ नहीं बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि जो बताना था वो पुराने पुराने वीडियो में तो मैंने आपको बता रखा, अली बाबा का खजाना, ज्योति रिजन्स पार्ट टू, ग्रेट स्टॉक, मतलब मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा ये सारे स्टॉक के बारे में, और पुराने पुराने वीडियो ढूंढूंगा तो और मिलेंगे, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोलूं कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भूल गए, ऐसा तो नहीं ना कि आप भूल गए कि हाँ भाई ये स्टॉक मतलब ज्यादा भाग चुका तो नहीं कर दूंगा और गिर आप छोड़ दो कभी भी गिर सकता नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ये स्टॉक यहाँ से भी काफी अच्छा आपको रिटर्न निकाल के दिखा, बस यही होता है लोगों को पता नहीं होता सही चीज के बारे में, बस सुना आप लोगों ने सर पता नहीं होता, तो सर ये अराउंड 2,000 something 600 के बारे में बताया था, तो 4,000 के बाजू में जाना स्टार्ट कर दिया, तो लोगों को फिर लगने लगा होगा सर ये तो हाई हो गया हाई हो गया, तो लोगों को मैंने बताया, फिर दोबारा आके मैंने बताया सर याद दिला रहा हूँ, याद दिलाने का काम भी मैं ही कर रहा हूँ, लोग बोलते हैं ना कि सर भाग जाता है स्टॉक तब वीडियो बनाते हो, याद भी दिला रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भूल गए सर, हाँ कंपनी अभी भी बहुत खतरनाक है, और आज यही देखिए तो 11,000 हो चुका है सर, 2,600 रुपये से बताना स्टार्ट किया, फिर 3,900 पे भी बताया कि सर आपको ये तो नहीं लग रहा ना कि कंपनी चल गई, नहीं आप लोग ही डिसाइड कर दो, आप लोग ही डिसाइड कर लो सर कि कंपनी चल गई करके, आएगी नहीं कंपनी का क्या औकात है सर का, अभी मान लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्री कल क्या करेगी नहीं करेगी वो तो सर हम डिसाइड करेंगे, है कि नहीं सर, कौन डिसाइड करेगा, हमारे गली के मोहल्ले के जो लोग रहते हैं सर वो डिसाइड करेंगे, अंबानी तो डिसाइड करेगा सर, अंबानी तो नौकर है, आप बोलो जूता साफ करने करके देगा सर, अरे भाई जिसने कंपनी को बनाया है उनको पता है क्या हाई येलो है, हम कैसे डिसाइड कर देंगे, तो सर कोई भी चीज़ थोड़ी सी चीज़ चल जाती है ना तो आम पब्लिक को लगता है भाई ये तो हाई हो गया सर, इसी चक्कर में आपको कभी प्रॉफिट नहीं होता, कभी प्रॉफिट नहीं होता सर कभी नहीं, और इसीलिए सर ये मैं दे रहा हूँ एडवांस लर्निंग कोर्स, पेड नहीं बहुत महंगा भी है सर, और ये केवल उनके लिए है जिनके अंदर सीखने के लिए सर आग जली पड़ी है, बिना सीखे स्टॉक मार्केट के अंदर आके काम कर रहे हो सर, सोचो एक मिनट सोचो, बिना सीखे सोचो कि अगर आप सीख के काम करोगे तो बेटर रिजल्ट ही आपके सामने आएंगे सर, बेटर रिजल्ट आपके आंखों के सामने सर जो काला पर्दा लगा हुआ है ना कम से कम वो हट जाएगा, आपको सही चीज़ें दिखाई देना स्टार्ट कर देगा सर, है कि नहीं है, सही चीज़ें दिखाई देना आपको स्टार्ट कर देगा सर, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सर, इसके अंदर मैंने क्या क्या नहीं बता रखा है सर, फ्यूचर सेक्टर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बॉटम स्टॉक, 10 गुना होने वाला स्टॉक कैसे ढूंढे सर, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने मजाक थोड़ी कर रहा हूँ सर, वैल्यूएशन के बारे में देखो, फेयर वैल्यू के बारे में बता रखा हूँ, कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बता रखा हूँ, कंपाउंडिंग रिटर्न देने वाला देखो सर, ये कंपाउंडिंग रिटर्न निकाल के दे चुका, तो अगर आप इसको भी मिस कर रहे हो, सीखने वाली चीज़ों को भी मिस कर रहे हो, तो सर आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, स्टॉक तो हाथ आया नहीं है और ना सीखने चाहते हो सर, तो अब भगवान जाने सर आपके हाथ में क्या आने वाला है। जैसे देखिए अब मेन वीडियो का मेन पार्ट यहाँ आता है सर, यहाँ पर मैंने लिख रखा था अगला आयशा मोटर, टारगेट 5,000 मैंने दे रखा था सर, ऊपर वाले ने यह देख सकते हो एक और मौका दिया है सर, किसने, भगवान ने सर एक और मौका दिया है ऊपर वाले ने सर, आयशा मोटर, पता है सर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला लोगों के मन में लालच होता है सर, बिल्कुल ये सबके मन में होता है, सबके हमारे मेरे मन में भी इंक्लूड कर दो, ठीक है सर ना, सब लोग आयशा मोटर को ख़रीदना चाहते हैं सर, सर मैं आपको बोल रहा हूँ आयशा मोटर की कंपनी की हालत पता है, पढ़ा नहीं है कोई सर, पढ़ते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ते, आयशा मोटर सर कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी थी सर, लूट गई थी सर कंपनी, बात समझ में आ रहा हो ना, कंपनी बिक गई थी, मैनेजमेंट छोड़ के भाग चुके थे सर, मैनेजमेंट छोड़ के भाग चुके थे कंपनी को, कंपनी को अकेले रास्ते पर छोड़ के कंपनी डूब गई थी सर पूरी तरीके से, आयशा मोटर की कहानी पता नहीं है सर आपको, सुनोगे समझोगे पढ़ोगे नहीं तो सर कैसे दुनिया में आगे बढ़ोगे सर, और आज आयशा मोटर इतना बड़ा रिटर्न निकाल के दे चुका है तो सब लोग खरीदना चाहते हैं, क्या आपके पास इतनी हिम्मत है कि डूबी हुई कंपनी को खरीद लो जिसका शेयर का प्राइस 90% गिरा हुआ है, नहीं सर हिम्मत कैसे आएगी, जब तक स्टडी नहीं करोगे तब तक नहीं आएगी सर, आज आयशा मोटर इतना ज़्यादा भाग चुका है इस वजह से खरीद रहे हैं, लेकिन आयशा मोटर जैसे और भी कंपनियां उनको खरीदो नहीं, क्यों लोग आयशा मोटर को खरीदेंगे, क्यों, क्योंकि वो चल चुका है ना सर, इस वजह से उनको लगता है कि अच्छा है, अरे भाई मैं आपको बोलूँगा कि सर भले ही आपने पीएचडी की डिग्री की है लेकिन प्लीज़ फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट से ट्यूशन लेना स्टार्ट कर दीजिए,
सर वो पास्ट है जो आयशा मोटर रिटर्न निकाल के दे चुका, फ्यूचर मतलब आने वाले उसी तरीके से रिटर्न निकाल के देने वाले उनको ढूंढिए। और ये देख लीजिए मैंने यहाँ पर बता रखा था आप लोगों को, बस शेयर बस 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 वीडियो थोड़ा फास्ट है, स्लो कर देता हूँ। कुछ ऐसी चीजों में ये कंपनी जो है खुद के लिए काम करती है और कोई है नहीं आजू बाजू के लिए। और तो यहाँ देखिए फोर्स मोटर सर ये मिल रहा था 1400 में, मतलब आजकल के डेट में ये जो काम करता है ना इसकी वजह से और इतना भयंकर गिरावट के साथ मिल रहा था सर, एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं। आप देख लीजिए सर, और आज ये स्टॉक 8000 रुपये के बाजू में जा चुका है सर, देख लीजिए 1500 से कहाँ जा चुका है। तो सर ये लगभग जो है ये 8-9000 रुपये के बाजू में जा चुका था, 9600, ये भी 10000 चला गया। और ये वीडियो यहाँ पर यही चीज़ मेन चीज़ मैं आज अब आपको बताने आया हूँ कि फोर्स मोटर अगर आपको लग रहा है कि हाई हो गया है तो प्लीज़ सर आप कंपनी का वैल्यूएशन देखिए, ना कि कंपनी की खूबसूरती देखिए सर। और चार्ट पैटर्न जितने लोग देखना चाहते हैं सर, मैं आपको बोलूँगा आप तो महान हो सर, कहाँ हो प्रभु, आप इंडिया का चार्ट पैटर्न भी बना दो सर, चाइना को कब पीछे छोड़ेगा, अमेरिका को कब पीछे छोड़ेगा, अपने लाइफ का चार्ट पैटर्न बना दो सर प्लीज़। सर प्लीज़ मैं आपको बोलूँगा, आपको लग रहा है कि फोर्स मोटर बहुत हाई चला गया तो आप गलत हो। और मैं दोबारा तिबारा चौबारा छबारा कबारा दबारा छबला जितना भी आप जोड़ लो सर, देख लीजिएगा सर, कई बार बोल रहा हूँ, साबित करके दिखा दूंगा कि यहाँ से भी कई गुना ऊपर जाने की कोशिश करके दिखाएगा कंपनी। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था केवल फोर्स मोटर आपको याद दिलाने के लिए सर, ठीक है। और ये देख लीजिए सर, बहुत सारे ऐसे स्टॉक होते हैं सर जो कई गुना रिटर्न निकाल के देने वाले हैं सर, 50% बस 41% का रिटर्न, लेकिन अगर ये स्टॉक चाहिए आप लोगों को तो सर इसके लिए पे करना पड़ेगा, तो ही आपको जानकारी आगे मिलेगी सर, नहीं तो जानकारी नहीं मिलेगी। पे करना पड़ेगा सर, आपको इनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। दूसरे जगह सर यहाँ पर भी बहुत सारे स्टॉक 44% तक का रिटर्न निकाल के देने वाले हैं सर, लेकिन इनके लिए भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अब समझ में आया सर, फ्री में कुछ नहीं मिलता, क्यों नहीं देते हैं सर ये लोग फ्री में, ये लोग तो करोड़पति हैं सर, इनको रिसर्च करने में ही बहुत मोटा पैसा खर्च होता है। आपको क्या लगता है आँख बंद किया भगवान को अगरबत्ती दिखाया और भगवान ने हमें सुबह सुबह स्टॉक दे दिए, भाई भगवान सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं, आप मेहनत तो कीजिए आपको भी स्टॉक मिलेगा। इस वजह से सर ये लोग भी फ्री में नहीं देते, क्यों नहीं फ्री में देते, क्योंकि सर टाइम एनर्जी मनी खर्च होता है चीज़ों को रिसर्च करने में, बाकी आपकी मर्जी है सर। अगर आज भी आज के ज़माने में भी आप नहीं सीख पाते हो स्टॉक मार्केट, तो सर आने वाले ज़माने में स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर जा चुका होगा और फिर पछताने के अलावा सर दूसरा रास्ता बचेगा ही नहीं बचेगा, और भगवान खुद आकर सारे रास्ते बंद करेंगे। क्यों? क्योंकि सर भगवान कितने मौका देगा एक इंसान को, और भी तो इंसान है सर जिनको मौका देना है, जो सच में कोशिश कर रहे हैं भगवान उनको भी तो मौका देंगे। एक की थाली में सर सारा खाना भगवान परोस देंगे तो दूसरा इंसान भूखा रह जाएगा ना, भगवान सबको मौका देंगे। तो बाकी मर्जी आपकी है, सीख लो फ़ायदा में रहोगे।